गर्मी में तो गोंद कतिरे का यूज होता है पाइल्स फिशर पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन आज मैं इसको सर्दियों में किस तरह से यूज करें तो आपके जो पेट की बीमारियां हैं, पाइल्स की बीमारी है, फिशर की है, कब्ज को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गोंद कतीरे का यूज़ तो गर्मियों में किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसको सर्दी में किस तरह से इस्तेमाल करें उसके बारे में मैं जानकारी लेके आई हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है जिसे कि आप सर्दियों में ले सकते हैं और ये आपके शरीर में काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। आपके शरीर के दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे, आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, पेट से जुड़ी सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करती हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम झटपट से बताना शुरू करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिया है गोंद कतीरा, जो कि आपको आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। और ये अखरोट बादाम ये भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, मतलब सब जगह आपको आसानी से मिल सकने वाली चीज़ें हैं। तो गोंद कतीरा जैसे कि हमने बताया पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने लिया है, ये देखिए इसको एक पीस लेना है, बाकी हमने दिखाने के लिए रखा है। एक पीस आपको गोंद कतीरा लेना है, एक अखरोट की गिरी लेना है और चार बादाम, इतना एक आदमी के लिए काफ़ी है। आपको एक लोग हैं, एक लोगों के लिए इतना काफ़ी है, तो इतना ही आपको लेना है। और इसको क्या करना है, आपको भिगो देना है। इसे आपको एक साथ में अखरोट और बादाम गोंद कतीरा तीनों को एक साथ भिगोना है, क्योंकि गोंद कतीरा में इसका जो बादाम का असर है, अखरोट का असर है, पूरी तरह से इसमें आ जाए। रात भर भीगने के बाद देखिए इस तरह से हो गया है, बादाम अच्छे से फूल गए हैं, अखरोट भी अच्छे से भीग चुका है और ये गोंद कतीरा भी अच्छे से साबूदाना के फॉर्म में हो गया है। इतना सुंदर लगता है, चमकता है, लेकिन ये इसका कलर बादाम और अखरोट के कलर की वजह से थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है। तो ये जो तैयार हुआ है गोंद कतीरा, ये अब उतना ठंडक नहीं देगा, जैसे कि इसे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी देता है। तो ये आपके कब्ज को दूर भगाने में पूरी तरह से हेल्पफुल होगा, लेकिन ठंडक नहीं देगा, जैसे कि ठंडा रखता है शरीर को, तो ये आपके शरीर में ठंडक नहीं देगा, कब्ज की परेशानी को दूर करेगा। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं दूध में, लेकिन आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं, आपको इसके साथ मतलब सर्दी जुकाम बहुत सारी बीमारियां ना हो, तो इसको क्या करना है, चार बादाम को छील लेना है और चार बादाम छील के अखरोट को इसे आप मिक्सी जार में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये दूध नॉर्मल दूध बनकर नहीं तैयार होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल दूध तैयार होगा, ये ड्रिंक तैयार होगा, बहुत ही आपके शरीर में फ़ायदा देगा। अब हम इसको छान लेंगे, ये जो गोंद कतीरा है इसको हम निकाल लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 3 चम्मच ये एक पीस में बनकर तैयार हुआ है। इतना गोंद कतीरा एक के लिए, एक आदमी को लेना है तो उसके लिए काफ़ी है। पानी को हम फेंक देंगे और ये गोंद कतीरे को कटोरी में डाल देंगे इस तरह से। ये बहुत ही परफेक्ट है, जैसे कि एक आदमी को लेना है तो इतना बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को बस उतनी ही लेना चाहिए जितनी कि आपके शरीर को ज़रूरत होती है। ज़्यादा लेते हैं तो वो नुकसान करने लगती है, तो इतना काफ़ी है। अब हम जो बादाम और अखरोट को इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, इस तरह से देखिए चमकता है, कितना सुंदर लगता है। तो ये गोंद कतीरा आपके शरीर में बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभदायक है, ये एक चीज़ के लिए नहीं। अब इसको इसमें डाल के थोड़ा सा दूध डालेंगे, दूध डाल के इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप थोड़ा सा दूध डाली हूँ और बाद में डालूँगी, क्योंकि नहीं तो ये उछल के बाहर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दूध डाला है। अभी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है।
अब हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा दूध, मिक्सी जार जो है इसको थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से धोकर निकाल लेंगे, क्योंकि बादाम है, अखरोट है तो इसे बारीक हो जाते हैं तो इधर उधर लग जाते हैं, इनको दूध की हेल्प से इन्हें हम बागोने में, बाउल में डाल लेंगे। इस तरह से हमने पूरा जो है बादाम अखरोट था उसको हमने निकाल लिया है। अब इसे हम गैस को ऑन करेंगे और जितनी, जैसे कि आपको 200 ml के करीब दूध चाहिए, अगर 250, 200 से 250 चलेगा, बस उतना ही दूध लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये दूध हमने डाला, ये देखिए इतनी ज़रूरत है, 250 ml दूध, एक पाव दूध हो गया है। अब हम इसे गर्म करेंगे, गैस को ऑन करके इसे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, हल्का सा, और जैसे ही उबाल आएगा वैसे ही हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएँ, बस इतना ही हमें करना है। और दूध को क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, बस हम गैस को ऑफ़ कर देंगे इसी स्टेज पे, जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ, उबाल आने की स्थिति में हुआ, वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। इस दूध को आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। अब देखिए हमने क्या लिया है, धागे वाली मिश्री है, इसमें धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें, और जैसे आपको सूट करता है आपकी बॉडी में, और बिना दूध और गुड़ का भी, बिना चीनी का भी, बिना मिश्री का भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मिश्री पाउडर हमने 1/4 चम्मच डाला, जैसे कि आपने देखा, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और देखिए हल्का सा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आधा दूध ठंडा हो जाए, जैसे कि आधा गर्म था तो आधा ठंडा हो जाए, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा, उसी स्टेज पे हम इस गोंद पतीरे को इसमें ऐड कर देंगे। पूरा 3 चम्मच जो भी है सारा इसमें हम मिला देंगे। इस तरह से आपका जो ये खीर की तरह बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में गोंद पतीरे का यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी में ठंडक देता है। तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, एक पेट के लिए तो होगा ही और पूरे शरीर के लिए काफ़ी गर्माहट देगा। तो इस तरह से आप गोंद पतीरे को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपका पेट से जुड़ी सारी समस्याएँ दूर होंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आप दूध को लेते हैं, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गोंद पतीरे के साथ जब हम बादाम और अखरोट को भिगो कर इसका फाइन पाउडर बनाकर जब इसे लेते हैं, इसका आप पाउडर भी बनाकर ले सकते हैं, गोंद पतीरा को जैसे कि आपने भिगो दिया, फिर सुबह जब आप इसे छानें उसके बाद दूध में पाउडर ऐड कर दें और उसे भी आप ले सकते हैं, तो आपको रोज़ रोज़ पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको जैसे सरल पड़े वैसे आप इसे बना के रखें, ट्राई करें और इसे अपने डाइट में शामिल करें। और कुक विजिट मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी, नई जानकारी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।